तो दोस्तों आज विजिट करने वाला हूँ मैं अपनी सबसे पहली कंपनी में जिसमें मैंने 2011 में जॉब की थी और मैं किसी काम के कारण की वजह से सेक्टर 4 के आसपास आया था। तो मैंने सोचा चलो सेक्टर 5 भी हो लेता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी जो मेरी पहली कंपनी थी वो सेक्टर 5 में थी। बस भैया किनारे रोक। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं कंपनी। बाहर से नज़ारा वैसा ही है जैसे पहले था। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा लगेगा। बढ़िया मैं तो आज आया था ऐसे काम से तो मैंने सोचा चलो एक बार मिल लेते हैं। मैं गुड़गांव रहने लगा हूं ना तो इस वजह से कभी ठीक है ना एकदम बढ़िया। मैंने सर से मुलाकात करी और उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया और उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस लिया भी। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आप और आपसे सीनियर पर्सन भी एक टाइम के बाद थोड़ा सेम लेवल पर बात करते हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है। वो कन्वर्सेशन बड़ा अच्छा होता है। उनके साथ मैंने एक सेल्फी ली और एज अ रिस्पेक्ट उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया उनके कन्वर्सेशन का। और काफ़ी टाइम बाद उनसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और उनके दिए हुए गिफ्ट्स को मैं अपने बेटे के लिए लेके जा रहा हूँ। और दोस्तों ये है वो ऑफिस जिसमें मैं मतलब अपना वो पहली जॉब जिसमें मैंने करी थी। और ये देखिए सामने मंदिर है और ये मेरे सर का जो प्रीवियस सर है उनका केबिन है और ये नीचे टूल रूम है जहाँ पे पैकिंग और सारी मशीन्स लगी हुई हैं। और मैंने अपने गिफ्ट्स को पैक कराने के लिए मैं ही नीचे आया हूँ। और ये देखिए गिफ्ट्स यहाँ पैक होना स्टार्ट भी हो चुके हैं और ले जाने में थोड़ा इजी हो जाए तो उन्होंने मुझे इस गिफ्ट हैम्पर को रस्सी से बांध दिया है क्योंकि चीज़ें थोड़ी बड़ी हैं। और ये है वो एरिया है जहाँ एक कंपनी है, सेक्टर 5 नोएडा, इंडस्ट्रियल एरिया है ये भी। और अब अगर आप देखोगे तो वहाँ से मैं आता था वॉक करके और ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं चाय पीता था और जिनके साथ चाय पीता था उनको भी इस वीडियो में दिखाना ज़रूरी है तो उनको भी मिलाते हैं आपसे। स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने जिनके पास मैं जाता था अक्सर चाय पीने। तो ये कैंटीन है, यहाँ पे हमारे मोबिन जी थे जिनकी कैंटीन में हम चाय पीते थे। देखते हैं वो है कि नहीं। ये बड़ी सी पानी की टंकी यहाँ मुझे रोज़ दिखती थी। और ये इधर सामने अभी हो साहब कोई बात नहीं। ओ, पहचाना कि नहीं पहचाना। सुपरमैन विजेंद्र का इंतजार कर रहे हो, वो आएगा अभी देने तुम्हें खाना पीना, रुक जाओ। चाय बनाओ यार इसी बात में अच्छी। आपको पता है कि मुझे इंडिया से प्यार है। काम वाम नहीं, काम कम हो गया पहले से ना, खत्म ही हो गया। देखो कैसे रहते थे हम। हाँ यहाँ पूरा भरा रहता था यार, पूरा खाली हो गया। आ गया ये अपना हीरो आ गया। तो ये हमारे जघन्य मित्र, घनिष्ठ नहीं कहेंगे, जघन्य मित्र कहेंगे इनको हम, ठीक है। मतलब हम लोग साथ में चाय पीते थे, मतलब ये मैं बाकी चीज़ को काट दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और ये हम आए हैं हमारे मित्र की दुकान में, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा घर। कैसे हैं आप? अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे? जियो और जीने दो। तो दोस्तों मैं यहाँ से वापस चल रहा हूँ और बिजेंद्र जी मुझे अपनी स्कूटी से छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। चलो भैया। और अब आ गए हम सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे। और ये देखिए खुल गया है मेट्रो जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए जो रास्ता जाता है बोटानिकल गार्डन से, आप जहाँ से मेट्रो बदलते हैं वहाँ पे इन्होंने विंटर कलेक्शन लगा रखा है। देख रहे हैं आप, जैकेट्स मिल रही हैं यहाँ पे, अलग अलग मर्चेंडाइजिंग का एक नया तरीका है। और जैसे खाना पीना होता था साथ में, देखो सामान कैसे बिक्री हो रहा है यहाँ पे। वाह क्या बात है। अब हमें चलना है मजेंटा लाइन की ओर। ओ भाई PNB का आइटम देखिए आप, कितना सुंदर, वाकई बड़ा हैपनिंग बना रखा है। छोटा सा ये एक तरह का जंक्शन है मेट्रो का जहाँ से दो अलग अलग मेट्रो अलग अलग दिशाओं में जाती है। अब मुझे इधर से निकलना है जनकपुरी पश्चिम की ओर। जी साहब ये लिखा है जनकपुरी पश्चिम की ओर, मैं निकल चुका यहाँ से। अगर आप यहाँ उतरेंगे तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट पाथवे है मेट्रो चेंज करने का। बट अगर आप लौट रहे हैं मतलब नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ से आ रहे हैं तो आपको नीचे से ऊपर सीढ़ियों से या एस्केलेटर से आना पड़ेगा। तो अब मैं इधर आ गया हूँ। आई थिंक मुझे अपोजिट साइड जाना है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। आई थिंक आई एम सो कन्फ्यूज नाउ। तो चढ़ा तो एकदम सही मेट्रो में था मैं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि बहुत टाइम से इस लाइन में ट्रैवल नहीं किया है। तो ये मेट्रो जाएगी हौज खास जहाँ से मैं चेंज करूँगा अपनी मेट्रो।
मजेंटा लाइन और येलो लाइन के बीच में इतना बड़ा पाथवे है कि मतलब आपको हौज खास अगर मजेंटा लाइन पे उतरना है तो वहाँ से आपको हौज खास की येलो लाइन पे जाने के लिए इतना चलना पड़ेगा, करीब 4 से 5 मिनट का वॉक हो जाता है। बाप रे बाप, इतना भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों मज़ा आया सर से मिलकर और अपनी पुरानी कंपनी में जाकर, और फाइनली मेरी मेट्रो हौज खास में आ गई और फिर मैं यहाँ से निकल गया अपने घर की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।